चिड़ावा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर। चिड़ावा शहर एक बार फिर पहुंचा सूद के लिए युद्ध अभियान। खेतड़ी रोड फाटक स्थित राहुल मिष्ठान भंडार से लिए गए मावे व लड्डू के सैंपल, तो चिड़ावा मैन बाजार में सरसों के तेल का सैंपल लिया गया। चिड़ावा शहर पहुंचे, कितने सैंपल लिए गए? हाँ, चिड़ावा से एक राहुल मिष्ठान भंडार खेतड़ी रोड पर, वहाँ से एक तो मावे का और एक लड्डू बूंदी घी से बनने का सैंपल लिया है, और एक परमेश्वर लाल एंड कंपनी है, यहाँ से सरसों तेल का सैंपल लिया गया है। कुछ शिकायत पर ये कार्रवाई की जा रही है या कैसे? नहीं, रूटीन कार्रवाई है। कैमसर गांव में दो युवकों की धुनाई, ग्रामीणों ने जमकर की दोनों युवकों की धुनाई। पुलिस ने घायलों को चिड़ावा अस्पताल में करवाया भर्ती, हालत गंभीर होने पर झुंझुनू किया रेफर। ग्रामीणों का आरोप, युवती का अपहरण करने की कोशिश की गई। चिड़ावा थाना इलाके के कैमसर गांव में युवती का अपहरण करने की साजिश नाकाम हो गई। ग्रामीणों ने युवती के अपहरण की कोशिश कर रहे युवकों को पकड़कर धुनाई कर दी। इसके बाद गाड़ियों में सवार होकर आए युवक भागने लगे। ग्रामीणों ने सुल्ताना चौकी को भी इसकी सूचना दी। सूचना के बाद सुल्ताना चौकी टीम जैसे ही कैमसर के लिए रवाना हुई, तो टेकड़ा मोड़ पर पुलिस की गाड़ी देखकर दो गाड़ियों में सवार होकर आए युवक गाड़ी लेकर पदमपुरा की ओर भागने लगे। इसके बाद वे पदमपुरा गाँव में गाड़ी छोड़कर एवं खेत में भाग गए, जहां पर पीछा कर रहे ग्रामीणों ने युवकों की जमकर धुनाई कर दी। सुल्ताना चौकी प्रभारी राजेश जांगिड़ ने बताया कि कैमसर गांव में लड़ाई झगड़ा कर दो गाड़ियों में सवार होकर आए युवक सुल्ताना की ओर भागने की सूचना मिली थी। इसके बाद तुरंत टीम रवाना हुई और टेकड़ा मोड़ पर पुलिस की गाड़ी देखकर यह पदमपुरा की ओर भाग गए, जहां पर एक खेत में दो युवकों को कैमसर के ग्रामीणों द्वारा पिटाई करते हुए पाया गया। दोनों युवकों को ग्रामीणों से मुक्त करवाकर चिड़ावा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर हालत गंभीर होने पर उन्हें झुंझुनू रेफर करवाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैमसर के राजेश मीणा की दो लड़कियों का रिश्ता खिरोड़ के लक्ष्मण प्रसाद के लड़कों से तय हुआ था। ये रिश्ता किसी मनमुटाव के कारण रिश्ता टूट गया था, जिसके बाद इन दोनों युवतियों की शादी 4 नवम्बर को होनी है। कैमसर गाँव से सूचना मिली कि कैमसर गाँव में दो गाड़ियों वाले लड़ाई झगड़ा करके सुल्ताना की तरफ बक्के आ रहे हैं, जिस पर चौकी का स्टाफ वहां पहुंचा, तो चौकी की गाड़ी को देखकर गाड़ी वालों ने गाड़ी पदमपुरा की तरफ घुमा दी। पदमपुरा गांव में जाकर के वो कच्चे रास्ते पर लेकर गए, जहां पर रास्ता आगे जाके बंद हो गया, वो गाड़ियां छोड़कर भग गए। पीछे पीछे कैमसर गांव के लोगों ने आकर के उनके दो लोगों को पकड़ दिया और उनके साथ मारपीट कर दी, जिन पर ग्रामीणों से घायल अवस्था में दो व्यक्तियों को लेकर के हॉस्पिटल ले कराए, जिनको जून रोड रेफर किए। चिड़ावा शहर में पायल हॉस्पिटल बना अब आधुनिक सुविधाओं युक्त। हॉस्पिटल में आज आईसीयू रूम व एनआईसीयू रूम का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर पायल ने बताया कि हॉस्पिटल में अब स्त्री व प्रसूति रोग, नवजात शिशु रोग, हड्डी व जोड़ रोग, फिजिशियन व क्रिटिकल केयर आईसीयू, ब्लड बैंक जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। मैं डॉक्टर रमेश चौधरी, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ। मैं पायल, आपके शहर चिड़ावा में पायल हॉस्पिटल में अब आज से नवजात शिशु के वेंटिलेटर एनआईसीयू की सुविधा शुरू हुई है। आपको पता ही है कि चिड़ावा में पायल हॉस्पिटल काफ़ी वर्षों से अपनी सुविधाएं दे रहा है, उसी सुविधा में अभी और एक नई सुविधा ऐड हुई है, जिसमें नवजात शिशु के लिए एनआईसीयू में वेंटिलेटर की सुविधा स्टार्ट करी गई है। साथ में ही आज के दिन आईसीयू की व्यवस्था, जिसमें बड़े पेशेंटों के लिए भी इमरजेंसी में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध हुई है, और 24 घंटे यहाँ पे अदर जो विशेषज्ञ है, फिजिशियन है, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ है, लेडीज के डॉक्टर है, औरतों के डॉक्टर है, उनकी सुविधाएं भी उपलब्ध है। रोज रोज पेट्रोल डलवाने से पाए छुटकारा, अभी मोटर्स चिड़ावा से ले आइए इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस दीपावली लाइए खुशियों की गाड़ी, पुरानी गाड़ी एक्सचेंज, इंश्योरेंस व फाइनेंस सुविधा, सर्विस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। जिले का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम अब चिड़ावा में खुल चुका है। सिंगल बैटरी चार्ज पर 120 किलोमीटर की रेंज के साथ उपलब्ध स्वादिष्ट खाना, एसी रूम और पार्टी हॉल के साथ आपका अपना होटल राज मंगलम। चिड़ावा शहर में फैमिली के लिए फर्स्ट क्लास सुविधाओं के साथ नंबर 1 होटल, क्योंकि नाम ही नहीं हर चीज में है लाजवाब। तो ऑर्डर करें अभी और मजा ले स्वादिष्ट खाने का। सूरजगढ़ रोड बाईपास सर्किल के पास चिड़ावा। चिड़ावा शहर में अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका प्रशासन हुआ अलर्ट। आज चिड़ावा शहर में अतिक्रमण को लेकर निशान चिन्हित किए गए हैं। टेकड़ा से लेकर कल्याण राय प्रभु मंदिर तक आज नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण को लेकर निशान चिन्हित किए गए हैं।
इसके साथ ही सभी व्यापारियों के साथ अपील भी की गई है कि अगले 5 दिवस तक निशान लगाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान अपनी दुकान के आगे रखा सामान व्यवस्थित तरीके से दुकान के अंदर ही रखें। अगले 5 दिनों तक समझाइश की जाएगी, इसके बाद चालान व सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि उपखंड कार्यालय में संदीप चौधरी ने अतिक्रमण को लेकर एक बैठक की थी, जिसमें चढ़ावा उपखंड के सभी उच्चाधिकारी शामिल हुए थे। इसके साथ ही व्यापार मंडल के व्यापारी लोग भी शामिल थे। नगर पालिका की इस कार्रवाई को लेकर चिड़ावा शहर में कोतुल का विषय बन चुका है। इसके साथ ही व्यापारियों ने काफ़ी चर्चा हो रही है कि व्यापारियों में चर्चा शुरू हो चुकी है कि यह अभियान कब तक चलेगा। हालांकि अभी व्यापार मंडल ने इस तरह की कार्रवाई का कोई विरोध नहीं किया है। ये उपखंड मुख्यालय पे एकदम साहब की मीटिंग हुई थी, जिसमें व्यापार मंडल को बुलाया गया था और नगर पालिका भी आएगी थी। आए दिन बाजारों में जाम लगता है, इससे मुक्ति के लिए अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि दुकान के आगे 5x3 की जगह दी जाएगी सिर्फ अस्थाई सीढ़ियाँ लगाने के लिए, जिससे कस्टमर चढ़ सके दुकानों के लिए, आराम से सामान ले सके और आराम सामान ले सके, ताकि अतिक्रमण नहीं रहे और जाम की व्यवस्था समाप्त हो। कार्रवाई कब से शुरू की जाएगी? जो 5 दिन का समय दिया जा रहा है, निशान लगाए जा रहे हैं, इसके बाद 5 दिन का समय है। व्यापारी या तो अपने स्वयं के स्तर से हटा लें, नहीं तो फिर नगर पालिका प्रशासन के साथ मिलके इसको हटाए। हाँ, फिर जुर्माना लगाया जाएगा, उसके बाद अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। झुंझुनू वन विभाग की टीम ने 2 शिकारियों को किया गिरफ्तार। वन विभाग की टीम ने बोलेरो गाड़ी भी की जब्त। टीम को दोनों शिकारियों में खरगोश की खाल, पंजे, चाकू मिले। दोनों शिकारियों से की जा रही है पूछताछ। खेतड़ी उपखंड के माधोगढ़ के वन क्षेत्र में वन्य जीव का शिकार करने आई 2 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1 बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। सहायक वन संरक्षक गुलजारीलाल ने बताया कि वन विभाग का गश्त दल माधोगढ़ के वन क्षेत्र में गया था। वहां 2 युवक नजर आए। दोनों युवक टीम को देखकर भागने लगे। टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़कर पूछताछ की। तलाशी के दौरान वन विभाग के गश्ती दल को दोनों शिकारियों के पास एक चाकू, जंगली खरगोश की खाल व कटे हुए पंजे मिले और खरगोश का मांस भी मिला। दोनों को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत गिरफ्तार कर बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया है। वन विभाग की टीम दोनों शिकारियों से पूछताछ कर रही है। माधवगढ़ से आगे जंगल की तरफ हुआ था, एक बावरियों का वो था, वहाँ 2 संदिग्ध आदमी बैठे हुए थे और बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई थी। उधर की साइड में साइड की तरफ गश्त करने के लिए जब जो है वन विभाग का अमला निकला तो वो दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। भागने की कोशिश पर स्टाफ ने उनको घेर कर उसको पकड़ लिया। वहाँ पर देखते हैं तो उनके दोनों के हाथों में एक एक थैली थी, तो थैलियों को खोल कर देखा तो उसमें जंगली खरगोश का मीट और खाल और वो थी। एक हाथ में छुरा, उसकी जंगली खरगोश की खाल और उसके टांगों के अवशेष थे। दूसरे के पास में कटा हुआ मीट था। एक उसके घर जा रहा था, जो बावरिया था, जो विकास बावरिया नाम बताया, वो उसके घर जा रहा था, घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। तथा दूसरा जो विकास गुजर है वो गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था। स्टाफ ने उनको पकड़ के उनके विरुद्ध वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 50, 51 के तहत वन अपराध दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया गया। सीकर एसीबी की झुंझुनू के बग्गड़ में बड़ी कार्रवाई। नगर पालिका की फायर वुमेन सुनीता को किया ट्रैप। 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। दूध डेयरी की एनओसी के एवज में मांगी थी घूस। सीकर एसीबी उप अधीक्षक राजेश जांगिड़ ने की कार्रवाई। चिड़ावा शहर के नजदीकी बग्गड़ नगर पालिका में सीकर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए फायर वुमेन सुनीता को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीकर एसीबी पुलिस उप अधीक्षक राजेश जांगिड़ ने बताया कि परिवादी भगवान लाल सोनी ने डेयरी बूथ संचालन के लिए एनओसी जारी करने एवं विद्युत कलेक्शन के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में फायर वुमेन सुनीता द्वारा 8,000 रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। एनओसी जारी करने एवं विद्युत कनेक्शन के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में फायर वुमेन सुनीता द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद सीकर एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के बाद आज सीकर एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए बग्गड़ नगर पालिका की फायर वुमेन सुनीता को
3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी द्वारा आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। लीगल काम के लिए नगर पालिका में गए थे, जहाँ श्रीमती सुनीता चौधरी, जो की एक महिला बाबू है, फायर वुमेन के पद पर है, लेकिन वो अभी पट्टों के संबंध में और एनओसी के संबंध में कार्य कर रही है। तो उसने अपने काम के लिए कहा, तो उसने कहा कि अभी आपके 8000 रुपए लगेंगे और आपका काम हो जाएगा। वो हमारे पास, हमने उसका जब सत्यापन करवाया तो उसकी सत्यापन वेरीफाई हो गया। उसके क्रम में आज हम 2 तारीख को मैं टीम के साथ यहाँ पहुँचे और महिला कर्मी जो श्रीमती सुनीता चौधरी है, उसने उसके काम के बदले 3000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों उसको अरेस्ट किया। सचिन पायलट पहुंचे मालवीय नगर। पिलानी विधायक जेपी चंदेला के आवास पर पहुंचे। एमएलए चंदेला के पिता के निधन पर जताया शोक। 26 अक्टूबर को हुआ था चंदेला के पिता का निधन। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा भी रहे साथ में। सुबह के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट जयपुर पहुंचे। वे मालवीय नगर स्थित पिलानी से कांग्रेस विधायक एवं रिटायर्ड सीनियर आईएएस जेपी चंदेला के आवास पर भी गए, जहां उन्होंने विधायक चंदेला के पिता के निधन पर शोक जताया, परिवार को ढांढस बंधवाया। इस मौके पर उनके साथ विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, विधायक मुकेश बाकर, एआईसीसी सदस्य प्रशांत शर्मा, पूर्व उप प्रधान रणधीर बुडानिया, पूर्व पार्षद सुरेश बुकर तथा हुसैन सुल्तानिया भी चंदेलिया और उनके परिवार को ढांढस बंधवाया।